झारखंड की राजधानी रांची में तालाबों नदियों का सौंदर्यकरण का कार्य जोर शोर से रांची नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। निगम अब तक कई तालाबों का सौंदर्यकरण का काम पूरा कर चुकी है। कई तालाबों का कार्य धरातल पर चल रहा है, लेकिन उससे दूर सौंदर्यकरण के नाम पर दिसलेरी तालाब का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब में बाहर का पानी प्रवेश नहीं करने से तालाब की जल स्तर पर कमी आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिससे आसपास के क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं नगर विकास मंत्री सीपी सिंह का मानना है कि सौंदर्यकरण में उपयोग होने वाले सीमेंट, पत्थर, कंकीट जैसे सामान से कार्य संपन्न हो सकता है। डिस्लरी तालाब का सौंदर्यकरण का कार्य जैसे ही संपन्न होगा, स्थानीय लोगों को और भी लाभ सुनिश्चित मिलेगा। रोज पानी का तो नीचे से ही आता है, इधर उधर से, वो तो बंद हो गया। अब आने वाला समय ही पता चलेगा कि स्रोत रहेगा या ना रहेगा। हाँ हाँ, पूरा सब में असर करेगा, प्रभाव पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं पड़ रहा है, अभी पानी है, काफी है, लेकिन आने वाला समय में तो दिक्कत करेगी। जितना भी लगा हुआ है यही नल में पानी, हैंडपम्प हुआ, बोरिंग हुआ, इस सब में पानी बहुत अंदर चला जाएगा। कुआं जो भी अगल बगल में है, हो सके पानी ना भी रहे, कम हो जाएगा, ना रहेगा भी तो कम रहेगा। अभी जितना भरपूर पानी है, आने वाला समय में तो लगता है नहीं होगा। नहीं, देखिए कौन क्या कहता है मुझे पता नहीं, जब बड़े बड़े इंजीनियर उस चीज़ को देखते हैं। देखिए एक बात बता दो, अभी कई तालाबों के पानी सूख गए हैं। पहले पानी कहाँ का आता था? गंदा पानी आता था, पानी नाली का पानी आता था, पैखाना का पानी आता था, तरह तरह के पानी आते थे। अब क्या है कि वहाँ उसके सारे स्रोत बंद कर दिए हैं गंदा पानी आने का, तो स्वाभाविक रूप से जब इतना भीषण गर्मी है तो सूख जाते हैं। जहाँ तक कंक्रीट का सवाल है, ये इसमें हो रहा था, उसको हम लोगों ने तोड़वा देने का काम किया। आखिर तालाब का सुंदरीकरण तो हो गया ही, पहले तालाब कैसा था, अभी तालाब कैसा है, ये देखना चाहिए। जब हम वहाँ पर घाट बनाएंगे तो कंक्रीट का उसमें तो प्रयोग होगा, घाट कोई मिट्टी का घाट तो नहीं बनेगा ना। तो बोलने वाले भैया देखो, दोनों बातें हैं, कुछ लोग अच्छे भी बोलते हैं, कुछ लोग खराब भी बोलते हैं।